हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चिकीज बायोलॉजी अनदर वीडियो ट्यूटोरियल. इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू सर्च एमआर जॉब. ये आज हम लोग अपनी इस वीडियो में इन डिटेल बात करेंगे. और फ्रेंड्स ये जो एक क्वेश्चन है कि कैसे हम लोग अपनी एमआर की जॉब को सर्च कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे फॉलोवर्स का, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का मुझे पिछले कई दिन से आ रहा था. तो फ्रेंड्स जो फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं उन लोगों के सामने, या जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों के सामने, अगर उन लोगों ने अपना बी फार्मेसी कोर्स कर लिया है, या उन लोगों ने अपना कोई ग्रेजुएशन का कोर्स कर लिया है, या उन लोगों ने अपना एमएससी कोर्स केमिस्ट्री में कर लिया है, तो अगर वो लोग एमआर की जॉब के लिए फर्दर जा रहे हैं और वो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, तो उन लोगों के सामने ये प्रॉब्लम होती है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उन लोगों को ये एमआर की जॉब कैसे मिल सकती है. तो फ्रेंड्स जो एमआर होता है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, और फ्रेंड्स बहुत सारी कंपनीज जो है बहुत सारे एमआर को वहां पे रखती है, हायर करती है, रिक्रूट करती है. और फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन लोगों को ये नहीं पता होता कि वो कंपनीज या वो जो फार्मा इंडस्ट्रीज हैं कैसे एमआर को वहां पे रिक्रूट करती हैं, कैसे एमआर को वहां पे वो जॉब देती हैं. तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग उन 6 वेज के बारे में बात करेंगे जिन वेज के थ्रू आप लोगों को किसी भी फार्मा कंपनी या किसी भी फार्मा इंडस्ट्री में जो एमआर की जॉब है, जो एक एमआर की जॉब है सॉरी, वो आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी. तो फ्रेंड्स आप लोगों को शायद इनमें से कई तरीकों के बारे में पता भी होगा या कई वेज के बारे में पता भी होगा, बट कुछ वेज इसमें ऐसे भी होंगे जो मैं आप लोगों के साथ में अभी डिस्कस करूंगा यहाँ पे, जिन वेज के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा. तो आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोग इसमें बने रहें. और फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चिकीज बायोलॉजी जो चैनल है वो आप लोगों का ही चैनल है. तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लिया है. सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट जो वे है वो है थ्रू ऑफिशियल जॉब साइट्स. बहुत सारी इंडिया के अंदर ऑफिशियल जॉब साइट्स होती हैं, जैसे कि naukri.com या आगे भी बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जहां पे आप लोग जो है जॉब पा सकते हैं उन वेबसाइट्स के थ्रू. वहां पे आप लोग जो है अपना जो रिज्यूमे है वो अपलोड कर सकते हैं. और फ्रेंड्स अगर कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो आप लोगों को उसका पता चल जाएगा. और फ्रेंड्स इन सभी जॉब ऑफिशियल साइट्स के थ्रू आप लोगों को एमआर की जॉब वहां पे मिल जाती है. तो फर्स्ट वे ये है. सेकेंड जो वे है वो ये है थ्रू कंपनी ऑफिशियल वेबसाइट. आप लोग जो है बहुत सारी कंपनीज होती हैं, जैसे कुछ एमएनसी कंपनीज होती हैं, कुछ रेगुलेटरी और डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं. तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं तो आप लोगों को ये जानकर यहाँ पे बहुत ही आप लोगों को यहाँ पे आप लोग जो है शॉकिंग आप लोगों को ये लगेगा कि जो एमएनसी कंपनीज होती हैं फ्रेशर कैंडिडेट्स को बहुत कम हायर करती हैं, और फ्रेंड्स जो रेगुलेटरी और डोमेस्टिक जो प्लांट्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो फ्रेशर कैंडिडेट्स को जॉब देती हैं. तो आप लोग जो हैं जो रेगुलेटरी और डोमेस्टिक प्लांट्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, फार्मा कंपनीज होती हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग अपना रिज्यूमे वहां पे अपलोड कर सकते हैं, और वहां पे आप लोगों को ये भी पता चल जाता है कि वहां पे वैकेंसी है या नहीं है. तो आप लोग वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, और वहां पे अगर 0 to 1 year का अगर एक्सपीरियंस मांगा है तो आप लोग यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट होते हुए अप्लाई कर सकते हैं. तो ये एक सेकेंड वे है. अब बात करेंगे कि थ्रू कंसल्टेंसी. बहुत सारी कंसल्टेंसीज जो है इंडिया के अंदर होती हैं, बहुत सारी सिटीज में बहुत सारी कंसल्टेंसीज होती है, वहां पे आप लोग जा सकते हैं, अपना आप लोग उनको रिज्यूमे दे सकते हैं. उनकी कुछ फीस भी वहां पे होती है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है या फिर उनका वो चार्ज भी आप लोग उसको मान सकते हैं. तो उनको आप लोग बोल सकते हैं कि अगर कहीं पे एमआर की जॉब के लिए वैकेंसी निकलेगी तो मेरे रिज्यूमे में जो है मेरी इंटायर या मेरी फुल इन्फॉर्मेशन है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, मेरी मेल आईडी भी है, आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म करें. तो आप लोग जो है कंसल्टेंसीज के थ्रू भी जॉब पा सकते हैं, और ये जो कंसल्टेंसीज होती हैं बहुत सारी सिटीज में होती हैं, बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहां पे भी इनके ऑफिस जो होते हैं वो बने होते हैं. तो आप लोग वहां पे अपना रिज्यूमे छोड़ सकते हैं फर्दर रिफरेंस के लिए. तो इन कंसल्टेंसीज के थ्रू भी आप लोगों को जॉब मिल सकती है. अब बात करेंगे
थ्रू कॉन्टेक्ट पर्सन। अगर आप लोगों के रिलेशन में कोई ऐसा पर्सन है जो पहले से MR की जॉब कर रहा है, या आप लोगों का कोई सीनियर ऐसा है जो पहले से MR की जॉब कर रहा है, तो फ्रेंड्स आप लोग उसके थ्रू भी जो है MR की जॉब पा सकते हैं, क्योंकि उसको पता रहता है कि कौन सी कंपनी में कब वैकेंसी खाली होगी, या कौन सी कंपनी कब MR की जॉब के लिए स्टूडेंट्स को हायर करेगी या फ्रेशर कैंडिडेट्स को हायर करेगी। तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकता है और आप लोगों को जो है उस वे के थ्रू जॉब मिल सकती है, मीन्स कि उस कॉन्टेक्ट पर्सन के थ्रू आप लोगों को, या उस कॉन्टेक्ट पर्सन के रेफरेंस में आप लोगों को MR की जॉब मिल सकती है। अब बात करेंगे कि थ्रू फार्मा कंपनी मार्केटिंग ऑफिस। बहुत सारी फार्मा कंपनीज के जो है मार्केटिंग ऑफिस जो होते हैं वो बहुत सारी सिटीज में बने होते हैं, ज्यादातर जो है बहुत सारी जो मेट्रो सिटीज होती है वहां पे भी होते हैं, और बहुत सारी जो छोटे छोटे जो टाउन्स होते हैं, जो सिटीज होती है वहां पे भी होते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग दोनों करती हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो खाली मार्केटिंग करती है मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो खाली वहां पे एक ही काम करती हैं, ठीक है, या तो मार्केटिंग करेंगी या वो फिर मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। तो जो मार्केटिंग करेंगी कंपनी वो आप लोगों को MR की जॉब के लिए हायर करती हैं। इनके बहुत सारे ऑफिसेस जो होते हैं वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और बहुत सारी जो मेट्रो सिटीज होती हैं वहां पे होते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे भी आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, यहां पे भी आप लोग जाके बात कर सकते हैं। अब बात करेंगे थ्रू कॉलेज प्लेसमेंट। तो फ्रेंड्स कॉलेज प्लेसमेंट्स के थ्रू भी बहुत सारी जो फार्मा कंपनीज होती हैं ऊपर ईयर MR की जॉब के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है हायर करती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वहां पे रिक्रूट करती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों का कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है तो इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लोगों का कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू MR की जॉब आप लोगों को मिली है तो यहाँ पे फिर आप लोगों को अच्छी सैलरी, जॉब सेटिस्फेक्शन, आप लोगों का प्रमोशन, और आप लोग जो है एक ऑफिशियल रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के थ्रू आप लोगों को वो कंपनी हायर करती है। तो आप लोग यहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल टाइप के MR आप लोग यहाँ पे बनते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, तो आप लोग प्लीज उसको चैनल जो वीडियो के नीचे जो आप लोगों का कमेंट बॉक्स होता है वहां पे आप लोग सॉरी उसको जरूर वहां पे टाइप करें, और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, और आप लोग जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं इंडिया के नंबर वन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है Unacademy। वहां पे भी आप लोग जो है अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपने थॉट्स, आप लोग जो है अपने क्वेश्चंस वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन वहां पे आएगा और आप लोग मेरे साथ में बहुत टाइम तक वहां पे कनेक्ट रह पाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन अप फॉर अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू फ्रेंड्स।